अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, के हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बाहर निकला हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक कीवी का बाग देखा है। मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए। तो ये ज़रा चेक करें कि ये रोड पे जा रहा हूँ मैं, और मेरे बाएं जानब ये कीवी का बाग है। बहुत दूर तक फैला हुआ है और इसी के अपोज़िट मकान है सामने लोगों के। तो साथ साथ चल रहा हूँ और आपको विज़िट करवाता हूँ कि कीवी, आप में से काफ़ी लोग कीवी के बारे में जानते होंगे। एक तो ये एक्सपेंसिव होती है और ये दूसरा हर जगह पे नहीं होती। महसूस कंट्रीज हैं, महसूस जगह हैं जहाँ पे इनकी वाफर मकदार होती है। जैसे ओवरऑल सारे फल ऐसे ही होते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो पुर्तगाल में हूँ, और पुर्तगाल में कीवी ऐसे ही है जैसे हर घर में गुलाब का पौधा होता है। तो अभी तो ये ऑफिशियली एक बाग है जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं कीवी चेक करवाता हूँ कैसी होती है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, इसको देखा होगा। अंदर से ये ग्रीन होती है, बाहर से इसका कलर मिट्टी की तरह होता है। तो बहुत दूर तक, अंदर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है, मैं इस कीवी के बाग को देख रहा हूँ। और ये नीचे वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इसके जो जितने भी दरख्त हैं। तो इस वजह से काफ़ी दूर तक ही मुझे लाइंस नज़र आ रही हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ है यार। और इसके इस तरफ विलेज एरिया है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप जैसे। ओ वाह, एक कद्दू भी आपको चेक करवाता हूँ। ये तो गुलाब के फूल हैं इस तरफ। यार चेक करो कद्दू कितना बड़ा है, और ये बाहर आया हुआ है जंगले से। ओ वाह, चेक करो यार, इट्स ह्यूज। इसी तरह जब भी मैं इन लोगों के घरों से के पास से ऐसे गुज़रता हूँ, तो मुझे ना इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े फल नज़र आते हैं, फ्रूट नज़र आते हैं, जो आप कह सकते हो कि मौजाना तौर पे इनके घर उग जाते हैं, और ये उसको एज आ सैंपल रख देते हैं अपने घर में। और तो चलें, अभी कीवी के बारे में बात कर रहे थे तो चलें आगे चलते हैं, और साथ साथ कीवी का ये कहाँ पे एंड हो रहा है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि कीवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो बहुत सस्ती होगी। जिस तरह बाकी फ्रूट मिलते हैं वैसे ही कीवी का भी वही रेट है। ये वैसे ऐसे होना चाहिए कि क्योंकि कीवी बहुत ज़्यादा होती है तो कीवी का रेट गिरना चाहिए, लेकिन इसका कीवी का रेट इसी तरह होता है, बहुत ज़्यादा। आगे मैं जब आ रहा था वहाँ से, मैंने देखा कि गेट ओपन हुआ था बाग का, लेकिन मैंने आगे जा के देखा कि मुझे कोई अंदर से बंदा नज़र आ जाए, तो मैं ऑफिशियली उससे इजाज़त लूँ पहले, तो फिर इसके अंदर घुसूँ। इस ये जो जंगला है, फेंस लगा हुआ है ना, एक लोहे की वो जाली है, और तो कोई इसका सख्त नहीं है, लेकिन आगे दरवाज़ा भी है यार, लेकिन ऐसे घुसना अच्छी बात नहीं है। तो बाहर से मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना लूं और आपको चेक करवा दूं। गुच्छे के गुच्छे हैं भाई, माशाल्लाह। दिल तो करता उतार के खा लूं, लेकिन ईमान की बात है, लोग खाते भी हैं, लेकिन इस तरीके से किसी की कोई चीज़ खाना, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। लेकिन माशाल्लाह, जिसका भी बाग अल्लाह पाक ने उसको खूब रंग लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। एक तो कीवी है, कीवी अभी अगस्त चल रहा है, और कीवी की जो कीवी को उतारेंगे तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक उतार लेते हैं कीवी को, सही पक जाती है, ये सीज़न होता है। और काफ़ी लोगों का रोज़गार भी इसी के साथ वाबस्ता होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एरिया सारा ये वाला, ये पोर्टो के पास 2 घंटे दूर का इलाका है। तो यहाँ पर लोग मोस्टली, अगर कोई आए भी तो वो जो लोग एग्रीकल्चर को पसंद करते हैं, जिनको कोई सिटी में जॉब ना मिले, वो फिर इस इलाके का रुख करते हैं। तो कीवी, स्ट्रॉबेरी और इसके अलावा और काफ़ी फल हैं, जिस तरह ब्लूबेरी होगी, और ब्लूबेरी के साथ रसबरी, ये सारे फल इधर ही होते हैं, तो इनको उतारते हैं लोग यहाँ पे। अभी मुझे अंदर से कोई आवाज़ तो आ रही है गाड़ी की। ये दरवाज़ा जी, इसका ये गेट था, ये साथ रोड है इसके, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अंदर कोई बंदा नज़र नहीं आया। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी के
किसी की ऑफिशियल जगह में घुसना बगैर इजाज़त के तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मेरे साथ इसके सामने देखो कितना पुराना घर है, ये घर तो नहीं अब ये पता नहीं ख़त्म ही हो चुका है, इसकी दीवारों से पत्थर निकले हुए हैं और बिल्कुल भी वो सीधा हो गया है। इसके साथ इस साइड पे भी कीवी लगी हुई है, कीवी है बहुत ज़्यादा, कीवी है हर तरफ, कीवी है, एक कीवी बहुत ज़्यादा है और एक अंगूर बहुत ज़्यादा है। अभी अंगूर भी ठीक हो रहा है तो अंगूर को भी उतारेंगे। अंगूर से कीवी तो ये एक्सपोर्ट कर देते होंगे, लेकिन ये जो अंगूर है वो एक्सपोर्ट नहीं करते। अंगूर से ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शराब बनती है, शराब बनाते हैं उससे, और पुर्तगाल की मशहूर सौगात ही शराब है, जो खास किस्म का एक अंगूर होता है और खास किस्म की उससे शराब बनती है वो। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वही बाग है, मैं रोड के दूसरी तरफ आ गया हूँ तो इसी तरह ही नज़र आ रहा है तहद निगाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।